क्या आपके शरीर से भी बहुत तेज दुर्गंध आती है या आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं? तो जानने के लिए ये सारे लक्षण पित्त प्रकृति के हैं। ऐसे लोग जिनमें पित्त दोष ज्यादा पाया जाता है वे पित्त प्रकृति के वाले माने जाते हैं। इस वीडियो में हम आपको पित्त प्रकृति के गुण, लक्षण और इसे संतुलित करने के उपाय के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पित्त दोष क्या है? पित्त दोष अग्नि और जल इन दो तत्वों से मिलकर बना है। यह हमारे शरीर में बनने वाले हार्मोन और एंजाइम्स को नियंत्रण करता है। शरीर की गर्मी जैसे कि शरीर का तापमान, पाचक अग्नि जैसी चीजें पित्त द्वारा ही नियंत्रण होती है। पित्त का संतुलित अवस्था में होना अच्छी सेहत के लिए बहुत ही जरूरी है। शरीर में पेट और छोटी आंत में पित्त प्रमुखता से पाया जाता है। ऐसे लोग पेट से जुड़ी समस्या जैसे कि कब्ज, अपचन, एसिडिटी आदि से पीड़ित रहते हैं। पित्त दोष के असंतुलित होते ही पाचक अग्नि कमजोर पड़ने लगती है और खाया हुआ भोजन ठीक से पच नहीं पाता है। पित्त दोष के कारण उत्साह में कमी होने लगती है, साथ ही हृदय और फेफड़ों में कफ इकट्ठा होने लगता है। इस वीडियो में हम आपको पित्त दोष के लक्षण, प्रकृति, गुण और इसे संतुलित कर रखने के उपाय बताएंगे। पित्त के प्रकार, शरीर में इनके निवास स्थानों और अलग अलग कामों के आधार पर पित्त को 5 भागों में बांटा गया है। पहला पाचक पित्त, रंजक पित्त, साधक पित्त, आलोचक पित्त और भाजक पित्त। केवल पित्त के प्रकोप से होने वाले रोगों की संख्या 40 मानी गई है। पित्त के गुण, चिकनाई, गर्मी, तरल, अम्ल और कड़वा पित्त के लक्षण है। पित्त पाचन और गर्मी पैदा करने वाला व कच्चे मांस जैसी बदबू वाला होता है। निराम दशा में पित्त रस कड़वे स्वाद वाला पीले रंग का होता है, जबकि साम दशा में यह स्वाद में खट्टा और रंग में नीला होता है। किसी भी दोष में जो गुण पाए जाते हैं इनका शरीर पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है और इसी से प्रकृति के लक्षण और विशेषताओं का पता चलता है। पित्त प्रकृति की विशेषताएं, पित्त प्रकृति वाले लोगों में कुछ खास तरह की विशेषता पाई जाती है जिनके आधार पर आसानी से उन्हें पहचाना जा सकता है। अगर शारीरिक विशेषता की बात करें तो मध्यम कद का शरीर, मांसपेशियों व हड्डियों में कोमलता, त्वचा का साफ रंग और इस पर तिल मस्से का होना पित्त प्रकृति के लक्षण है। इसके अलावा बालों का सफेद होना, शरीर के अंगों जैसे कि नाखून, आंखें, पैर के तलवे, हथेलियां का लाल होना भी पित्त प्रकृति की विशेषताएं है। पित्त प्रकृति वाले लोगों के स्वभाव में भी कई विशेषताएं होती है। बहुत जल्दी से गुस्सा हो जाना, याददाश्त कमजोर होना, कठिनाइयों से मुकाबला ना कर पाना इनके प्रमुख लक्षण है। ऐसे लोग बहुत ही नकारात्मक होते हैं और इनमें मानसिक रोग होने की संभावना ज्यादा रहती है। पित्त बढ़ने के कारण, जाड़ों के शुरुआती मौसम में और युवा अवस्था में पित्त के बढ़ने की संभावना ज्यादा रहती है। अगर आप पित्त प्रकृति के हैं, तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि आखिर किन वजहों से पित्त बढ़ता है। आइए कुछ प्रमुख कारणों पर नजर डालते हैं। चटपटे, नमकीन, मसालेदार और तीखे खाद्य पदार्थ का अधिक सेवन करना, ज्यादा मेहनत करना, हमेशा मानसिक तनाव और गुस्से में रहना, अधिक मात्रा में शराब का सेवन, सही समय पर खाना ना खाने से या बिना भूखे ही भोजन करना, तिल का तेल, सरसों, दही, छाछ, खट्टा सिरका आदि का अधिक सेवन करना, गौ, मछली, भेड़ व बकरी के मांस का अधिक सेवन। ऊपर बताए गए इन सभी कारणों की वजह से पित्त दोष बढ़ जाता है। पित्त प्रकृति वाले युवाओं को खास तौर पर
यह अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए और इन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। पित्त बढ़ जाने के लक्षण। जब किसी व्यक्ति के शरीर में पित्त दोष बढ़ जाता है तो कई तरह की शारीरिक और मानसिक लक्षण नजर आने लगते हैं। पित्त दोष बढ़ने के कुछ प्रमुख लक्षण इस प्रकार है। बहुत अधिक थकावट, नींद में कमी, शरीर में तेज जलन, गर्मी लगना और ज्यादा पसीना आना, त्वचा का रंग पहले की तुलना में गाढ़ा हो जाना, अंगों से दुर्गंध आना, मुंह गला आदि का पकना, ज्यादा गुस्सा आना, बेहोशी और चक्कर आना, मुंह का कड़वा और खट्टा स्वाद, ठंडी चीजें ज्यादा खाने का मन करना, त्वचा मलमूत्र नाखूनों और आंखों का रंग पीला पड़ना। अगर आपने लक्षणों में से दो या तीन लक्षण भी नजर आते हैं तो इसका मतलब है कि पित्त दोष बढ़ गया है। ऐसे में नजदीक चिकित्सक के पास जाए और अपना इलाज करवाए। पित्त दोष को शांत करने के उपाय। बढ़े हुए पित्त को संतुलित करने के लिए सबसे पहले तो इन कारणों से दूर रहिए जिनकी वजह से पित्त का दोष बढ़ा हुआ है। खान पान और जीवन शैली में बदलाव के अलावा कुछ चिकित्सकीय प्रक्रियाओं की मदद से पित्त को दूर किया जाता है। विरेचन। बढ़े हुए पित्त को शांत करने के लिए विरेचन यानी कि पेट साफ करने वाली औषधियां सबसे अच्छा उपाय है। वास्तव में शुरुआत में पित्त आमाशय और ग्रहणी में इकट्ठा रहता है। ये पेट साफ करने वाली औषधियों इन अंगों में पहुंचकर वहां जमा हुआ पित्त को पूरी तरह से बाहर निकाल देती है। पित्त को संतुलित करने के लिए क्या खाए। अपनी डाइट में बदलाव लाकर आसानी से बढ़े हुए पित्त को शांत किया जा सकता है। आइए जानते हैं कि पित्त के प्रकोप से बचने के लिए किन चीजों का सेवन अधिक करना चाहिए। घी का सेवन सबसे ज्यादा जरूरी। गोभी, खीरा, गाजर, आलू, शिमला मिर्च और हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें। सभी तरह की दालों का सेवन करें। एलोवेरा जूस, अंकुरित अनाज, सलाद और दलिये का सेवन करें। पित्त प्रकृति वाले लोगों को क्या नहीं खाना चाहिए। खाने पीने के कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके सेवन से पित्त दोष और बढ़ता है। इसलिए पित्त प्रकृति वाले लोगों को इन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। मूली, काली मिर्च और कच्चे टमाटर खाने से परहेज करें। तिल के तेल, सरसों के तेल से परहेज करें। काजू, मूंगफली, पिस्ता, अखरोट और बिना छिले हुए बादाम से परहेज करें। संतरे के जूस, टमाटर के जूस, कॉफी और शराब से परहेज करें। जीवन शैली में बदलाव। सिर्फ खान पान की ही नहीं बल्कि पित्त दोष को कम करने के लिए जीवन शैली में भी कुछ बदलाव लाना जरूरी है। जैसे कि ठंडे तेलों से शरीर की मसाज करें, तैराकी करें, रोजाना कुछ देर छाए में टहले, धूप में टहलने से बचे, ठंडे पानी से नियमित स्नान करें। पित्त की कमी के लक्षण और उपचार। पित्त में बढ़ोतरी होने पर समस्या होना आम बात है, लेकिन क्या आपको पता है कि पित्त की कमी से भी कई शारीरिक समस्या हो सकती है। शरीर में पित्त की कमी होने से शरीर के तापमान में कमी, मुंह की चमक में कमी और ठंड लगने जैसी समस्या होती है। कमी होने पर पित्त के जो स्वाभाविक गुण है वे भी अपना काम ठीक से नहीं करते। ऐसी अवस्था में
पित्त को बढ़ाने वाले आहार का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा ऐसे खाद्य पदार्थ और औषधियां का सेवन करना चाहिए जिनमें अग्नि तत्व अधिक हो। पित्त प्रकृति के लोगों को पित्त को बढ़ने से रोकने के लिए बताए गए नियमों का पालन करना चाहिए। यदि समस्या ठीक ना हो रही हो या गंभीर हो तो किसी आयुर्वेद चिकित्सक से संपर्क करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी एक लाइक हमें नई ऊर्जा प्रदान करती है। इसी के साथ जय धन्वंतरी, वंदे मातरम।